चराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पांव से मेहंदी कि ये पांव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पांव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। बेटा होने के नाते इस बार यज्ञ में आहुति तुम्हें देनी होगी। बाबूजी को मुझसे क्या करूं प्रवीण, ना सुनने की आदत नहीं है इन कानों को, और हम जानते हैं कि तुम हमें भी ना नहीं करोगे। ठीक कह रहा हूं मैं, बहुत लोग हैं हमारे एक इशारे पर बंदूक का घोड़ा दबाने वाले, पर मैं चाहता हूं कि इस बार वो उंगली तुम्हारी हो। लोगों को लगे कि शेर के घर बब्बर शेर ही पैदा होते हैं, दूसरा मौका हम देते नहीं। बेटा होने के नाते हम तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी के नियम बदल रहे हैं। पहली बार शिकार पर जा रहे हो, माथे पर दो बार तिलक कर सकता है बाप का दिल, तीसरा मौका नहीं। और अगर शिकार नहीं हुआ तो हम माया को बता देंगे कि तुम उससे भी खेल रहे हो और हमसे भी। सोचो भी तो कोई ऐसी बात बोला करो नर्स बहन जी, जिसमें पैसे ना लगे हैं। पंच जी, पैसों की बात हम किसी अपने काम के लिए नहीं कर रहे हैं, बात गांव के विकास की है। अरे मास्टर जी, आप भी वीरेन भाई की बात का मतलब नहीं समझे। दरअसल पहले जो लोग ग्राम पंचायत की संपत्ति को अपना मानते हुए आए हैं, अब वो बेचारे क्या जाने कि विकास किस चिड़िया का नाम है। जुबान पर काट कसले रखूं, पहले भी तुझे बोला था तू तकलीफ में आ जाएगा, बता देता हूं। अरे जब हम सरपंच थे, जब ये सरपंच थे तो जानते हो मास्टर जी, इन्होंने कितना बड़ा काम किया। पहले एक बड़ा सा घर बनवाया और उसका नाम रखा वीरेन कुटीर। रखो, तू हद से आगे जा रहा है। अब बस भी करो वीरेन भैया, शांत हो जाइए, आप लोग बैठ जाइए। आप बोलिए नर्स बहन जी, क्या बोल रही थी आप? शुक्रिया सरपंच जी, मेरी हाल ही में अपने ब्लॉक के स्वास्थ्य अधिकारी से मुलाकात हुई। राजपुरा के लिए हमें जल्द ही स्वास्थ्य योजना बनानी होगी। अब ये योजना वोजना से कुछ नहीं होने का बहन जी, समझी? देवा जी सुन तो लो, हमारी स्वास्थ्य अधिकारी कह रही थी कि गए साल बारिश के महीने में मलेरिया के काफी सारे मरीज राजपुरा में हो गए थे। अब अगर इस बार भी हमने पहले से रोकथाम नहीं की तो स्थिति खराब हो सकती है। अब ये रोकथाम आप क्या करेंगी बहन जी, जो कुछ करना है हमें ही करना है, समझी? आप जरा इनकी पूरी बात सुन लेंगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा पंच जी। शबनम, ये ठीक कह रहे हैं, जो करना है वो इन्हें ही करना है। हम तो बस आपको सही सलाह देंगे ताकि आप वक्त रहते बचाव कर सकें। अब तक तो नुकसान ही हुआ है, एक कोशिश और कर लो। क्यों वीरेन भैया, सही कह रहा हूं ना? अरे नर्स बहन जी, आप बोलती रहिए ना, इनको तो बीच में टोकने की बीमारी है और वो भी लाइलाज। कुछ चीजें हैं जो हम लोग कर सकते हैं, जैसे दवा वाली मच्छरदानी का इंतजाम करना और फिर वो लोगों में बंटवाना, फिर डीडीटी का छिड़काव करवाना। मैंने पहले ही एक सर्वे रिपोर्ट बनाकर भेज दी है, उसके आधार पर हमें
मच्छरदानियां मिल जाएंगी। अब सोने के लिए खाट तो है नहीं, ये मच्छरदानियां कौन खरीदेगा हैं? देखिए पंजी, वैसे तो सरकार चाहती है कि लोग इसे सस्ते दामों में खरीदें, पर गरीब लोगों के लिए ये हमारे सब सेंटर या फिर कैंप लगाकर भी बंटवाई जाती हैं। उसकी चिंता आप मत करें बहन जी, आप मच्छरदानियां लाओ, बंटवा हम देंगे। क्यों वीरेन भैया? माधो, कारीगिरी तो तेरी वाकई बहुत अच्छी है। जैसा सुना था बिल्कुल वैसा पाया। चाचा पानी। हाँ। माधो, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ? कुछ नहीं साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ साहब। वो काम रहता है ना, इसलिए थोड़ा थक जाता हूं। वो तो ठीक है माधव, लेकिन एक बार सोच लो कि ये काम तुम्हारे बस का है भी या नहीं। देखो माधव, तुम्हारे काम में तो कोई कमी नहीं, लेकिन काम अभी काफी बचा है। नहीं हुजूर, मैं बिल्कुल ठीक हूं। ये काम क्या है साहब? इतना काम तो हम रोज ही करते हैं। कुमार काम नहीं करेगा तो और कौन करेगा साहब? साहब आप देखते जाइए कैसे काम पूरा होता है। पर माधव, तुम्हारी तबीयत तो? हाँ साहब, हल्का सा ताप है। वो आज थोड़ा ज्यादा नहा लिया ना पानी से, इसलिए ऐसा। चाचा चाय पियेंगे? नहीं बेटा, शाम होने से पहले शहर पहुंचना है। देखो, काम समय पर हो जाना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों का ये काम है वो समय के बड़े पक्के हैं। अरे हो जाएगा साहब, मैं आपका काम समय पे करके दूंगा साहब। हम तुम्हें एक मौका और देते हैं, दूसरा मौका। बेटा होने के नाते इस बार यज्ञ में आहुति तुम्हें देनी होगी। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? जी बोल रहा हूँ। हाँ, एक मिनट।
माया बोल रही हूँ। प्रवीण जी, माया जी मैं बोल रहा हूँ। नमस्ते माया जी, कैसी हैं आप? कैसे फोन किया भाई? तुम्हारी कोई खबर नहीं, कहाँ? जी बस आपको ही फोन करने वाला था अभी, पर मैंने आपसे कहा था ना अब यहाँ फोन मत किया कीजिए। वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कोई खबर वबर है या? जी खबर है ना, बहुत काम की खबर है। बोलो क्या खबर है? जी मैंने आपसे कहा ना ये फोन पर बताना मुनासिब नहीं होगा, बहुत ज्यादा जरूरी बात है, मैं मिलकर ही बताता हूँ। ऐसी क्या बात है, चलो बताओ। अच्छा तो कच्चे तालाब पर पहुंचो। नहीं वहां नहीं, वो मुझे ऐसा लगता है कि वहां की खबर यहाँ लोगों को हो गई है। अब एक काम कीजिए, वो कोतवाली रोड से 100 कदम हटकर एक गोदाम है, अपना ही है पर इस्तेमाल नहीं होता, अब वहीं आकर मिलिए। भैरव मंदिर के पास? जी कल शाम 4 बजे। ठीक है कल मिलते हैं। जी नमस्ते।